हेलो लो सी एक्सप्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आयो मस्ते शानदार हैं और ज़बरदस्त हैं मॉकटेस पेपर थ्री आ गया है हमारा और ये पेपर आने का मतलब ये है एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि बेटा एग्ज़ाम में, में मेरा पेपर थ्री आया है जैसे वैसा आसान दूंगा पेपर वन जैसा मोकटेस पेपर आया था वो मैं आपको मीडियम टाइप का देने वाला हूँ और पेपर टू जो आया था वैसा मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का बनाने की कोशिश करूंगा जी हाँ ए आई सी आई यहाँ बताना चाह रहा है तो अगर आपने ये तीनों पेपर दे दिए हैं वेरी गुड मुझे मार्क्स कमेंट में बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा ठीक है जरूर मुझे पहले कमेंट में आपके मार्क्स चाहिए फटाक से अगर आपने दे दिए हैं जितने भी मार्क्स आपके आए हैं पेपर वन में पेपर टू में पेपर थ्री में वो लिख दीजिए अगर आपने दो पेपर किए हैं तो दो पेपर के लिख दीजिए एक किया तो एक के लिख दीजिए बट मैं ये चाहूंगा मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे तीनों टेस्ट देकर जाए एग्जाम से पहले अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो ये तीनों टेस्ट एग्जाम से पहले जरूर देखे जाना क्योंकि अगर पेपर इजी आया तो जो आज मैं एमटीपी करा रहा हूं वैसा आएगा अगर पेपर मीडियम लेवल का आया तो मॉक टेस्ट पेपर वन जैसा आएगा अगर थोड़ा मीडियम टू हार्ड के बीच में टाइप का पेपर देगा तो मॉक टेस्ट पेपर टू जैसा वो देगा बहुत हार्ड नहीं था मीडियम टू हार्ड बोल रहा हूँ बहुत हार्ड मतलब जैसा अपना जून इक्कीस में पेपर आया था या फिर मैं बोलूँ जनवरी इक्कीस में पेपर आया था वो थोड़ा सा अच्छा पेपर था ठीक है उसके बाद बहुत हार्ड का भी नहीं दिया लास्ट अटेम्प्ट ईजी था और उससे पिछले वाला अटैम्प्ट मीडियम टाइप का था ठीक है ना सो so, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पेपर हार्ड इजी मीडियम में से हमारा थर्टी परसेंट टाइम ये आता है सिक्सटी परसेंट टाइम ये आता है और टेन परसेंट टाइम पेपर ऐसा आता है ये मैंने पिछले कुछ अटेम्प्ट का उठाकर देखा है और एनालाइज किया है अब तुम्हारी किस्मत कैसी है वो पता नहीं पर तुमको यहां से ये एनालिसिस हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आएगा तो तुमको कितना स्कोर करना चाहिए अगर बात करते तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो इस पेपर में सत्तर से ऊपर तो तुम सबका आएगा ही आएगा इस पेपर के अंदर में साठ प्लस और इस पेपर के अंदर पचास पचपन एवरेज का मतलब है जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो ढंग से कर लिया सर हमने पी वाई की ढंग से कर लिए हैं और मेरी मैथ ठीक ठाक सी है मैं गलतियां करता हूं थोड़ी बहुत बट मुझे समझ आ गया है मोटा मोटा सब कुछ तो अब इतना तो स्कोर कर ही लेंगे मिनिमम ठीक है अब बहुत प्यारे स्टूडेंट है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है हार्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन सारी ट्रिक्स सारी टिप्स कैलकुलेटर पे है तीन तीन बार रिवाइज करके बैठे सब कुछ आपने ढंग से प्रिपेयर किया है तो पहले पेपर में नब्बे प्लस ला सकते थे दूसरे में पिचहत्तर प्लस और तीसरे में पैंसठ प्लस आप लेकर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड कोई दिक्कत नहीं है ये स्कोर सही है ठीक है समझ में आया ये वो है स्कोर जब खुद से पेपर किया आइए देख लेते हैं मुख्तार पेपर थ्री क्यों इतना आसान है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ना आईसीआई के पिक करे गए हैं और आईसीआई के भी वो क्वेश्चन है कम से कम चालीस से पचास जिसको तुम देखकर आंसर बढ़ा देंगे अरे ये क्वेश्चन तो मुझे पता है कैसे होगा तो इसीलिए पेपर बहुत आसान है स्टार्टिंग से करते पहला ही क्वेश्चन देखो ऐसा कह रहा है पी और क्यू आर आर तीन सिटीज है रेशियो ऑफ एवरेज एवरेजरेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज इलेवन रेशियो बारह एवरेज टेम्परेचर पी रेशियो क्यू जो दे रखा है अपने ग्यारह रेशियो बारह दे रखा है और P और R का जो रेशियो दे रखा है वो नाइन रेशियो आठ दे रखा है कह रहा है रेशियो बिटवीन Q एंड R इज क्यू रेशियो आर की वैल्यू बतानी है क्या करेंगे कह रहा है मैं इसका इनवर्स ले लूं तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा Q की जगह P P की जगह Q यहां पर बारह की जगह ग्यारह ग्यारह की जगह बारह ये हो जाएगा नाउ अब हमें क्या करना होगा इनकी कंपाउंडिंग कर देते हैं इनकी मैंने कंपाउंडिंग कर दी मैंने क्या किया जी मैंने इनकी कंपाउंडिंग कर दी क्या कर दिया जी कंपाउंडिंग कर दी तो कंपाउंडिंग कर दो इनकी तो जैसे ही कंपाउंडिंग करी मुझे क्या दिखा मुझे क्यू इन टू पी है ना फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी रेशियो सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी सेकेंड जगह पर यहां पर और यहां पर भी सेमगा बारह इंटू नो रेशियो ग्यारह इंटू आठ हो गया ये कंपाउंडिंग हो गई है दैट Q P बाय बाय में आर में इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा ना इसको सिंप्लीफाई करिए फटाक से जल्दी से ठीक है सो यहां से P से P गया तो ये बच गया Q बाई आर यहां पर मेरा ये दोनों चार के टेबल पे जा रहा है ये दो पर ये तीन पर ऊपर बच गया सत्ताईस नीचे बच गया बाईस सत्ताईस तो बाय बाईस हो गया तो यहां से क्यू रेशियो और क्या मिला मुझे सत्ताईस रेशियो बाईस मिला है सत्ताईस रेशियो बाईस दैट इज बी ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी स्क्वायर थर्ड प्रपोर्शन कब होता है जी जब मेरी ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड है और मुझे थर्ड बतानी है सो हमने क्या पढ़ा हुआ है बीच वाली का स्क्वायर मतलब हमारी जो सेकेंड टर्म होगी दैट इज ए प्लस बी का जो स्क्वायर दे रखा है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड इन टू थर्ड टर्म थर्ड टर्म एक्स मान लिया तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में इन टू ठीक है यही था ना हमारी मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ओके यहां से ये हो गया मेरा ए प्लस बी की पार फोर अच्छा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ है ना इसका एक्सपेंशन इंटू में एक्स पड़ा हुआ है so, सो यहाँ से मेरा एक्स क्या बन रहा है दिस बाय दिस बन जाएगा तो ए प्लस बी की पावर फोर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सो मुझे ए प्लस बी की जो पावर है ए प्लस बी की पावर यहाँ चार पड़ी है यहाँ एक पड़ी है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर में तो so, मुझे चार माइनस एक होती दिख रही है और नीचे में ए माइनस बी पड़ा हुआ है दैट इज प्लस बी का पावर तीन बाय में ए माइनस बी आपका आंसर आ गया वन इज डी ये आपका उत्तर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एथ टर्म ऑफ एज फिफ्टीन टर्म इज कितना अब सोचो सम ऑफ टर्म जब भी दे रखा होता है तो हम क्या बोलते हैं जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी ना उसका इतना गुना कर दो उसका कितना जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो हमारा आंसर मिल जाएगा देखो याद करो हम ये तीन टर्म फोर टर्म फाइव टर्म में करते थे अब ये ऑफ टर्म्स जब भी एपी में मिलता है तो हम क्या बोलते हैं ए वन ए टू ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए इलेवन देखो ज्यादा टर्म दे दी है ठीक है कंफ्यूज करने के लिए बट इसमें लगेगा क्या इसमें ये वाला फॉर्मला लगेगा इसमें कौन सा वाला फॉर्मला लगेगा याद है तुमको तीन टर्म्स अगर एपी में दिए तो ए माइनस डी ए और ए प्लस डी दी जाती है, याद है? वही वाला पांच टर्म दी है तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी और ए प्लस टू डी दी जाती है उसी प्रकार से अगर पंद्रह दी जाएंगी ना तो पता क्या होगा यहां से यस सात इधर छोड़ो सात इधर छोड़ो ठीक है सात देखो एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पांच छे सात जो मिडल वाली टर्म दिख रही है ना देखो सात इधर छोड़ी सात इधर छोड़ी जो मिडल वाली टर्म दिख रही है ना उसको अपन क्या मान लेंगे जी उसको अपन क्या मान लेंगे जी ए मान लेंगे इधर में अपन डी 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 माइनस जाएंगे इधर में और माइनस कर दिया इधर में डी और माइनस कर दिया ऐसे कम करते रहते थे और यहां पे अपन डी बढ़ाते जाते थे यही करते थे याद आ रहा है है ना तो ये ही होता था इससे होगा क्या क्या जब मैं सम करूंगा ना तो सम करते टाइम क्या होगा यहां से ये थ्री डी यहां से जो ये थ्री डी आया ये थ्री डी से ये टू डी आया टू डी से ये डी आया डी से ये एड करते टाइम में सब सब्ट्रैक्ट होता रहेगा और जिसकी वजह से क्या होता है मेरे को क्या दिखेगा इन सब का सम बनने वाला फिफ्टीन ए इन सब का सम बनने वाला फिफ्टीन ए और ए क्या है मेरी एट्थ टर्म और इसने एट्थ टर्म क्या दे दिया जी मुझे एट्थ टर्म इसने बोल दिया है जी फिफ्टीन है और मेरा सम ऑफ फिफ्टीन टर्म्स क्या निकला फिफ्टी गुना ए तो आंसर क्या होगा फिफ्टीन इंटू ए की वैल्यू फिफ्टीन है तो आंसर टू ट्वेंटी ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ठीक है ना ये कर देना सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? 15 अगर ये है, तो फिफ्टीन इंटू मिडिल मोस्ट टर्म जो है वो हमारा उत्तर होने वाला है मिडिल मोस्ट टर्म की वैल्यू पंद्रह दे रखे तो पंद्रह इंटू पंद्रह आंसर हो गया नेक्स्ट फॉर वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर आर इन जीपी किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए नंबर ऑफ आर एन जी पी तो हम क्या बोलेंगे भाई एक्स को उससे पिछली टर्म से डिवाइड कराया और माइनस सात बाय दो को एक्स से डिवाइड कराया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो ये हमारा बराबर होना चाहिए कॉमन रिश्ता होता है ना सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कराना थर्ड को सेकंड से डिवाइड कराना बराबर होगा अब यहां से मैंने बोला भाई एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई माइनस दो बाय सात को माइनस सात बाय दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो माइनस सात बाय दो इंटू माइनस दो बाय सात हो गया ठीक है नाउ यहां पर दो से दो गया सात से सात गया एक्स बन गया एक्स इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन बचा यहाँ पर है ना तो वो बन गया अपना वन अगर एक्स स्क्वायर वन है तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी कह रहे यहाँ पर प्लस वन भी हो सकती है और माइनस वन भी हो सकती है प्लस वन भी हो सकती है और माइनस वन भी हो सकती है नेक्स्ट फॉर वट वैल्यू सीक्वेंस आर इन ए पी अगर ए पी होगा तो हमारा क्या होगा जी डिफरेंस कॉमन होगा दैट इज थ्री एक्स में से अगर मैं एक्स प्लस वन माइनस करूँ और मैं फोर एक्स प्लस टू में से थ्री एक्स माइनस करूँ तो वो बराबर आएगा थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स और माइनस प्लस माइनस वन फोर एक्स में थ्री एक्स गया एक्स और यहाँ पर बचा प्लस टू अब मैंने क्या किया मैंने उठा के जो ये एक्स है ना मेरा ये मैंने एक्स इधर माइनस करा दिया तो टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन उधर चला गया तो टू प्लस वन एक्स की वैल्यू टू प्लस वन थ्री के इक्वल आ गई एक्स की वैल्यू टू प्लस वन थ्री के इक्वल आ गई है समझ में आई बात जी सर नेक्स्ट अगर ए की पार वन बाय एक्स बी की पार वन बाय वाई सी की पार वन बाय जेड इक्वल है एंड आर इन जी पी तो एक्स बाय जेड की वैल्यू क्या होगी सो भाई यहां बोल रहा है ए की पार वन बाय एक्स बी की पार वन बाय वाई सी की पार वन बाय जेड इक्वल है तो अपन बोलते हैं लेट सपोज लेट सपोज ये जो वैल्यूज है बेटा ये वैल्यू के इक्वल ऐसे ही करते थे

यहां से दोनों तरफ अपन ने क्या किया पावर वाई वाई कर दिया पावर वाई वाई कर दिया कर दीजिए कर दिया जी ऐसा ठीक है ना तो यहां से मुझे बी मिल गया के की पार वाई और सी मिल गया मुझे K की पार जेड ठीक है अगर ए बी सी एपी में है तो एबीसी अगर एपी में है तो क्या होगा बीच वाले का जो स्क्वायर होगा बीच वाले का जो स्क्वायर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा याद है तीन टर्म्स अगर एपी में होते तो बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम हो जाता है तो यहां से b की वैल्यू क्या है k की पार y पुट कर दिया इसका स्क्वायर हमारा k की पार x इंटू के की पार z हो जाएगा तो यहां से पावर k की पार y इंटू टू टू वाई हो गया यहां पर k की पार x प्लस जेड हो जाएगा ठीक है ना बेस सेम है पावर सेम हो जाएगी तो टू वाई इजल टू एक्स प्लस जेड थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज करें तो मैं टू वाई को बोल सकता हूँ वाई प्लस वाई है इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड

डेरिवेटिव ऑफ ई की पार एक्स लॉग एक्स स्टार्टिंग में दिखा रहा है डेरीवेटिव इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन पांच सात देकर डिफिकल्ट लगेगा तुमको हल्का स्टार्टिंग में बीस क्वेश्चन कर लो उसके बाद बोला अरे सर अगले अस्सी क्वेश्चन गए तो अस्सी क्वेश्चन ठीक हो गए हाँ हाँ इतना आसान है बाकी कुछ दिया ही नहीं रे बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखा दिया ही नहीं अरे देखो मैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन देता हूँ तू तो छोड़कर जा रहा है उसके आगे कुछ नहीं है इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर मेरे पास दो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है तो हम कैसे करते हैं कह रहे एक का डिफ्रेंसिएशन पहले कर दो ई e की पार एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद है ई e की पार एक्स ही होता है कह रहे लोग को एज इट इज रख दो दूसरे में ई e की पार एक्स को एज इट इज रख दो और लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दो तो लोगाक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा यस yes, यस yes, इसके अंदर में इसका डिफ्रेंसिएशन किया अपन ने e की बार x का डिफरेंशिएशन e की बार x log x का एज इट इज यहां पे e की बार x और log x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स सो तो अगर मैं ई की बार एक्स कॉमन लूँ तो आंसर क्या बन गया लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स अब इसी ने इसी का रिफॉर्म करके ऐसा लिख दिया ठीक है ना अगर एल सी एम ले लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वन ऊपर में आ गया नीचे में एक्स आ गया है ना इसी को इसने चेंज करके ए की तरह लिख दिया है एल सी एम ले लिख दिया नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन था, था। इकलौता क्वेश्चन मैं बोलूँगा जो मुझे लगा थोड़ा दिमाग वाला वही था ठीक है इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा अगर डिफेंशिएशन आता है तो थोड़ा सा हल्का उसका कुछ नहीं है ज़्यादा हल्का था रहा इसका अगर मैं स्क्वायर कर दोनों दो तरफ तो, तो स्टेप में दिमाग लग रहा और कुछ नहीं क्या सर तो दिमाग अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशियट कर दू तो में आता क्या हो गया क्या, से क्या हो जाएगा क्या वाई सर टू वाई इसको एक्स की ट्रीट करेंगे और साथ में क्योंकि एक्स नहीं है तो डीवाई डीएक्स मल्टीप्लाई नीचे में वन प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर में पहले न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का माइनस वन इंटू में डिनोमिनेटर है ना प्लस में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस प्लस में नहीं सॉरी माइनस में है ना माइनस में वन का डिफरेंशिएशन वन हो गया और साथ में ऊपर वाला ठीक है सो यहां से टू वाई डीवाई बाई डी एक्स जो बना मेरे दोस्त वो बन गया कितना भाई माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस माइनस वन प्लस एक्स ये कट गया नीचे में वन प्लस एक्स का स्क्वायर ठीक है सो so यहां से dy बाई डी एक्स क्या बन गया वन बाई टू वाई यहां पर माइनस टू ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यस वन प्लस एक्स का स्क्वायर ठीक बात है जी सर अब आंसर देखो किस फॉर्म में बोल रहा है करते हैं बात करते हैं सबर कर, सबर कर कर अभी क्वेश्चन में कुछ और मांग रहा है अपने से अभी रुकेंगे अपन ठीक है ना ये बोल रहा है अगर मैं इसको वन माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा मैंने बोला अच्छा करा देते हैं तो कह रहे हैं अगर इसने इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ भी कर दिया ठीक है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इसका आंसर मांग रहा है तो ये क्या हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है वन प्लस एक्स का स्क्वायर

तो वाई स्क्वायर था रे ऊपर तो में माइनस का ये क्या बन गया अपना ये तो सर वाई स्क्वायर था अरे ये तो ना देखो वन माइनस एक्स बाई स्क्वायर था तो ये वाई स्क्वायर है इसके आगे माइनस का साइन पड़ा हुआ तो स्क्वायर बाई वाई भाई भाई कट के उत्तर माइनस वाई दे देगा राय ये माइनस साइन है ना बस ध्यान रखना ये ठीक है ये बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस साइन है यहाँ पे ठीक है बस तो आंसर आ गया माइनस ऑफ वाई बढ़िया क्वेश्चन था हल्का सा दिमाग वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं आगे द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेगा एक्स और वाई की वैल्यू जो रीवन है वो पुट कर दे देगा तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए पहले इसका थ्री एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर है ना वाई का डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका डिफ्रेंशियन यहाँ से तीन इंटू एक्स स्क्वा डिफ्रेंशिएशन टू एक्स होता है माइनस का सिक्स इसका तो constant है भग जाएगा यहाँ से एंड में एक्स की वैल्यू अगर वन आई है वो पुट करना है और वाई की वैल्यू टू पुट करनी है सर एक्स तो है ही नहीं तो एक्स तो वन है वाई तो है ही नहीं थ्री इंटू टू सिक्स इंटू एक्स की वैल्यू वन माइनस सिक्स वाई तो कहीं है ही नहीं तो हो गया सिक्स माइनस सिक्स जीरो तो ग्रेडियंट कितु आ गया भाई रे ग्रेडियंट आ गया जीरो ग्रेडियंट कितु आ गया भाई रे जीरो ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देता है कह रहे इक्वेशन ऑफ द कर्व बताइए मालिक अगर कर्व पास करता है वन जीरो से और डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू मिलता है इसका मतलब पता क्या होता है इस पत का मतलब होता है पहले भैया आप एफडेस एक्स निकाल लो उसका इंटीग्रेशन ये अपने को कर्व मिल जाएगा बट इस ये कॉन्स्टेंट देगा साथ में कॉन्स्टेंट को सॉल्व करने के लिए एक्स की जगह पर वन पुट कर देना वाई की जगह जीरो पुट कर देना सो एफडेक्स का इंटीग्रेशन मतलब टू एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन यहां पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई टू है ना इसकी एक पावर बढ़ेगी और जो नई पावर आएगी वो नीचे डिनोमिनेटर में One का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में कांस्टेंट याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है सो मेरा एफ एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वाइनस एक्स प्लस टू ठीक है एक्स क्या है भाई इसके अंदर में एक्स है ये वैल्यू और एफ ओफ एक्स क्या हो जाएगा भाई एफ ओ वन हो जाएगा इसका मतलब जो मेरा वाई की वैल्यू जीरो so, मैं एक्स की वैल्यू वन पुट कर दूंगा यहाँ होगा वन स्क्वाइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है और इसकी वैल्यू जीरो और ये भी बन गया जीरो तो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आ रही है यहां से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू जीरो दिख रही है तो मेरा फंक्शन क्या बन गया भाई वाई एक्स स्क्स प्लस टू ये है so y, FX A, ना तो एफ एक्स को हम वाई भी मानते हैं कई बार ठीक है ये क्या किया मैंने आखिरी में भाई एफ एक्स जो होता है वही मेरा वाई होता है पता है या नहीं पता है ठीक है बेसिकली ये अपना वाई तो होता है वाई को ही तो मैंने एफ एक्स माना है यहां पर भाई ये मेरा वाई ही तो है वाई की वैल्यू ही तो जीरो थी ये कह रहा है यही चाह रहा है तो फंक्शन क्या आ गया मेरा वाई इजल टू एक्सक्वायर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भाई इसमें बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दे दिए इतने आते नहीं है जनरली बस क्योंकि इसको पेपर में पर डिफिकल्ट बनाने के लिए लगा नहीं यही डाल देना है पर मान लो लॉग एक्स को टी माना मान लो लॉग एक्स को टी माना तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा वन बाय एक्स ये होगा डी टी बाई डी एक्स के इक्वल डीएक्स को उठा के इधर ले आया तो डीएक्स बाई एक्स क्या बन गया सर डी टी इक्वल यहाँ डी एक्स बायस दिख रहा है क्या ओहो दिख रहा है सर तो ये मेरा क्या बन गया ऊपर में डी टी नीचे में लॉग एक्स की वैल्यू टी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर लॉग ऑफ टी अरे टी क्या है अरे टी तो तुमने लॉग एक्स माना था ना तो यहाँ के अंदर में हमेशा मॉडुलस डालते हैं प्लस में कॉन्स्टेंट होता है ठीक है ना तो तो है ना, में में ऊपर तो अपन क्या करेंगे यहां पर वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे. डिफरेंशियट किया इसको अपन ने दोनों साइड से यस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है सो so वन का डिफरेंशियन जीरो पर टू एक्स यहाँ पर आ गया डी टी बाई डी एक्स अगर मैं डी एक्स को इधर ले जाऊँ तो ये होगा टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी तो टू एक्स डी एक्स तो इन्यूमिरेटर में पड़ा हुए तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन जो बना टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का लिमिट्स क्या है पुट कर देंगे ठीक है ना एक्स में कन्वर्ट करने के बाद पुट कर देंगे ये मेरा टी बन गया ये ऊपर वाला मेरा डी टी बन गया तो यहाँ से आ गया इसकी वैल्यू लॉग ऑफ मॉडुलस टी T क्या है सर यही वैल्यू अभी मैं लिमिट सुट नहीं कर रहा ठीक है यहां पर x की लगा सकते थे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर पूरा पेपर में आता है यहां पर हम कहा लिखना होता है अब यहां पर क्या करते हैं पहले वैल्यू ऊपर वाली वन प्लस टू का स्क्वायर ठीक है ये हो गया माइनस ऑफ नीचे वाली वैल्यू पुट कर दिया वन प्लस वन का स्क्वायर ठीक है लॉग ऑफ फाइव माइनस लॉग ऑफ टू लोग, -लोग माइनस करने पर क्या मिलता है भाई न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर जब इसको मर्ज करते हैं यस तो आंसर आ गया मेरा ये ठीक है आंसर आ गया ए ठीक है लिमिट्स जब होती है तो कॉन्स्टेंट नहीं आता है एफ ओ जी फंक्शन बताना है सेट्स रिलेशन फंक्शन में एफ ओ जी फंक्शन क्या होता है एफ के अंदर में एक्स की जगह जी एक्स डाल दीजिए सर एक्स की जगह जी एक्स तो दैट इज एक्स क्या है यहां पर ए आ, ये है है ना उसकी पावर 8 है, तो जी एक्स की पावर एट हो जाएगी जी एक्स क्या इसकी पावर एट चढ़ा दिया एफ ओ जी फंक्शन क्या बन गया मेरा टू एक्स प्लस वन का पावर एट है तो नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट प्रॉपर सबसेट कितने टू की पावर एट माइनस वन नंबर ऑफ एलिमेंट है एक दो तीन चार पांच तो टू की फाइव माइनस वन बत्तीस एक रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू एस देखो लाइन परपेंडिकुलर है लाइन ए ये लाइन बी ये रही, ये रही. ये रही line, ये बैठी हुई बना दी तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है ए ए परपेंडिकुलर अब वो नहीं हो सकती परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ए गयो सिमेट्रिक हाँ ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के परपेंडिकुलर होगी ही होगी हाँ जी ये दो ये पेयर को बिलोंग कर रहा है तो ये पेयर को बिलोंग करेगा ही करेगा तो सिमेट्रिक आंसर है सिंपल ट्रांसलेटिवियसली नहीं होगा अगर ए बी पेयर आ रहा है मान लो ये सी लाइन है ठीक है ए बी के परपेंडिकुलर बी सी के परपेंडिकुलर बट ए सी पैरेलल है परपेंडिकुलर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है तो आंसर इज बी ठीक है नेक्स्ट इन हाउ मेनी थ्री थ्री प्राइजेस आउट ऑफ फाइव कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रदर्स सो so, ब्रदर तीन प्राइजेस कितने एक दो तीन तीन प्राइजेस हैं ठीक है आउट ऑफ फाइव तो हमारे पास में पांच प्राइजेस हैं ब्रदर कितने बी वन बी टू बी थ्री ठीक है B2, कितने प्रकार से हम ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है थीके? ब्रदर्स के बीच में बताइए कितने प्रकार से कर सकते हो सोचो थोड़ा दिमाग लागू बता रहा यस भाई हमारे पास में प्राइज देना है प्राइस क्या होता है समझ लो प्राइज क्या होता है प्राइज क्या होता है भाई तू फर्स्ट आता तू सेकंड आता तू थर्ड आता है ये होता है ना प्राइज ऐसा तो नहीं अरे ये पांचों के पास प्राइजेस को देंगे इसका क्या मतलब हुआ प्राइजेज है पोजिशनिंग होती है पांच में से तीन प्राइज मुझे भाइयों को देना बाकी को बाकी दे देंगे ठीक है तो पांच में से तीन प्राइजेस देने बाकी भाइयों को सो कितने तरीके से हो सकता है कह रहे भाई पांच में से तीन को अरेंज कर दो ना भाई मान लो तीन प्राइजेस ये वाले दिए अपन ने ये वाला इसको दे दिया ये वाला इसको दे दिया ये वाला इसको दे दिया अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगी मान लो P3, P2, P4 में से P2 इसको दिया P3 इसको दिया P4 इसको दिया वो अलग अरेंजमेंट हो जाएगी मतलब ऑर्डर भी मैटर कर रहा है पांच में से तीन को निकालना है और उन तीन को अरेंज करना है तो आंसर क्या होगा फाइव पी थ्री ना सो दैट इज फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो आंसर कितना होगा जी साठ साठ तरीके से काम हो सकता है कितने तरीके से काम हो सकता है जी साठ तरीके से काम हो सकता है गॉट इट समझ में आई बात नेक्स्ट देयर ट्वेल्व क्वेश्चन टू बी आंसर टू बी यस और नो इन हाउ मेनी वेज द आंसर कैन बी डन बारह क्वेश्चन है एक दो तीन बारह आंसर देना है भाई यस और नो यस और नो यस और नो कितने तरीके से आंसर दे सकते हो हर एक क्वेश्चन को देने के दो तरीके हैं So, बार है ना और नो यस और नो तो टू इं टू इंटू टू ट्वेल्व टाइम्स तो टू को बारह बार मल्टीप्लाई करने का मतलब टू की बार बारह निकालना दो की बार बारह कितना तो होता है सर दो इंटू इक्वल टू करते रहो जब तक बारह से एक बड़ा तेरह स्टेप ना आ जाए सर आंसर गया फोर जीरो नाइन सिक्स ठीक है ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा क्वेश्चन दिया है पी एम सी का यस फोर जीरो तो हमने पढ़ा भाई अगर यहाँ अलग अलग दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि अपना या तो ये बराबर होगा या तो हमारा ये बराबर होगा या क्या होगा इन दोनों का सम जो है ऊपर जो वाला जो पंद्रह पंद्रह बराबर दिख रहा है उसके बराबर हो जाएगा रे यहाँ से टू आर की वैल्यू थ्री आ रही है आर की वैल्यू थ्री बाय टू नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता या इसका मतलब क्या है फोर आर इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व हो गया आर की वैल्यू थ्री हो गई तो ये हो सकता है कितना है थ्री आ रहा है सर थ्री आ रहा है सर ठीक है नेक्स्ट अ इज द नंबर ऑफ आ रही है 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 अच्छा क्वेश्चन ठीक पॉलीगन का मतलब क्या होता है पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज फिगर विद मल्टीपल साइड कह रहे कितनी साइड होनी चाहिए ठीक है सो मान लेते हैं एन साइड है तो दो साइड बनाने के लिए एक साइड बनाने, बनाने के लिए दो पॉइंट्स ही होते हैं अगर एक डायंगल की बात करूं तो उसके लिए भी दो पॉइंट्स ही होता है मतलब अगर मेरे पास आठ पॉइंट है तो मैं उससे एट सी टू लाइन्स बना सकता हूं जिसमें से आठ जो होंगी वो साइड हो जाएंगी बाकी जाते। जा सुना। मैंने क्या बोला ध्यान रखना इस बात को अगर मेरे पास में एन साइड है आठ साइड मान लिया मैंने अगर मान लो मैंने बोला आठ साइड है मेरे पास में तो मैं आठ में से आठ सी टू लाइन्स बना सकता हूं अब इनमें से आठ मेरी साइड हो जाएगी और बाकी जो बचेगा वो मेरे डाइगनल हो जाते हैं ये मैंने बोला जब एन की वैल्यू आठ है तो अगर मान लो हमारी एन साइड एन पॉइंट्स है अगर मेरे एन पॉइंट्स है तो एन पॉइंट से मैं एनसी टू लाइन्स बना सकता हूँ जिसमें से एन साइड्स हो जाएंगी तो ये बचे हुए मेरे डाइग्नल हो जाते हैं ये बचे हुए मेरे डायग्नल हो जाते हैं ठीक है याद रखना यस yes? सो so, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है फोर्टी फोर एन सी टू का मतलब क्या है एन और उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल दैट इज टू इसकी वैल्यू 44 है तो यहां से यहां से ठीक है ना ओ माइनस एन भी करना है सॉरी माइनस मेरे मालिक एन भी करना है इसकी वैल्यू 44 फोर है ठीक है यहां से या तो तुम गो बाय चॉइसिस कर लो या फिर एन कॉमन लिया तो बचा एन माइनस वन का वन है ना बाय तो यहाँ थोड़ा रीअरेंज करते हैं एन में एन माइनस वन माइनस टू दैट इज एन माइनस थ्री बाई में टू इज इक्वल टू फोर्टी फोर एन इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू टू इंटू फोर्टी फोर एटी एट क्या मैं यहां पर एक नंबर उसे तीन नंबर कम लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या जी सर तो एन इंटू एन माइनस थ्री हो गया सर मेरा ग्यारह इंटू आठ ओ एन मेरा हो गया है ग्यारह और एन माइनस थ्री हो गया है आठ जी हाँ सर यहां से भी एन की वैल्यू ग्यारह आ रही है तो मैं इधर से दो तरीके से इसको कर पा सकता था या तो मैं गो चला जाता, देखो ये तो बन रहा है ना भाई क्या बना सकते हो जिसमें से एन साइड हो जाएंगी बाकी बच्चे डाइंगल हो जाते हैं ठीक है तो so यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही थी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारी एन की वैल्यू ग्यारह आ गई है ठीक अच्छा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द सिक्स सिक्स ऑफ अ क्यूब विद डिफरेंट गिवन कलर्स बस इकलौता क्वेश्चन मैं बोलूंगा ना जो एग्जामिनर बोल रहा है तुम नहीं कर पाओगे वो ये वाला है ठीक है द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द सिक्स सिक्स ऑफ अ क्यूब विद डिफरेंट फिगर गिवन कलर्स इसके बाद कोई क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं है क्यूब क्या होता है देखो क्यूब में क्या होता है एक ऊपर वाली साइड होती है और एक नीचे वाली साइड होती है और बाकी साइड एक समान होती है याद रखना क्या ना क्या होता है क्यूब में कह रहे एक ऊपर वाली साइड मानते हैं एक नीचे वाली साइड मानते हैं क्यूब में और बाकी सारी साइड जो होती है ना ऑल साइड आर एक समान इक्वली वेटेड ठीक है वेट ऐसा सामानक्ली चलते हैं ओके छह फेसिस है छह है ऊपर नीचे चारों साइड में ठीक है कह रहे भाई साहब इसको पेंट मानना है। ये अगर तुमको नहीं बताओगी ना बात कि भाई ऊपर नीचे को अलग मानते हैं और चारों बाकी को बराबर मानते हैं। तुम ये क्वेश्चन को अटैम्प्टी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत अलग सी चीज है ये मैथ्स में इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि भाई क्यूब पड़ा हुआ है तो हम ऐसा क्यूब मानते हैं कि भाई ऊपर और नीचे अलग चलता होगा और साइड की बाकी साइड है हम किसी भी एंगल से देखें तो एक सवाल है ठीक है ये ये बात मानते हैं अब ये बोल रहा है कि छह साइड होती है हाँ ऊपर नीचे और चार बाकी छह साइड होती है छह चीज़ों को छह कलर करने हैं अलग अलग तो सिक्स में से सिक्स जगह को उठाना है पेंट मार देना कितने तरीके से कर सकते हो सिक्स पे सिक्स अरेंजमेंट हो गया ना भाई कौन सा किस पे जाएगा अलग अलग मानेंगे ठीक है बट चार साइड इक्वल है अगर चार साइड इक्वल है ऑल फोर साइड रिपीटिंग इक्वल है अप और डाउन को छोड़कर तो उसकी वजह <coughs> <coughs> उसकी वजह से फोर फैक्टोरियल से डिवाइड तो आंसर क्या हो गया सिक्स फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल को मैं सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ तो आंसर आ गया मेरा सिक्स इंटू फाइव थर्टी ये अच्छा क्वेश्चन है इकलौता क्वेश्चन जिसमें जम है बहुत ज्यादा वो ये वाला है इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आसान है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन ये होता है दस डिजिट ठीक है ये होते ना दस डिजिट है कह रहे छिजिट का नंबर होता रहा है एक दो तीन चार पाँच छ अब हमें क्या करना होगा यहां पर दस में से छह को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट जब हो जाएगी ऑब्वियसली इन छः का अरेंजमेंट अलग अलग नंबर फॉर्म करेगा भाई मैंने सिलेक्ट कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये एक नंबर बन गया सिक्स टू फोर वन फाइव थ्री ये एक अलग नंबर बन गया तो मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है तो ऑर्डर मैटर कर रहा है तो मतलब उसी इनको अरेंज करना है तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या देता है जी हमको दस में से छः को चूज करके अरेंज करना होता है टेन पी सिक्स ओह ये तो सीधा आंसर दे रहा है डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री टिल ऑब्वियसली एनसी एन तक जाएगा तो कितना होगा आखिरी में ऑब्वियसली कहां तक जाता है मैक्सिमम ऊपर वाले नंबर तक जा सकता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है सर so, टू की पार एन माइनस वन माइनस वन क्यों किया जाता है एनसी जीरो अगर यहां एनसी जीरो कर देता तो आंसर टू की पार एन हो जाता तो इसका आंसर क्या होगा टू की पार एन माइनस ऑफ वन ठीक है द वैल्यू ऑफ लॉग पॉइंट डबल जीरो वन बेस लॉग पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन क्या है अगर तुम ध्यान से देखोगे दिस इज पॉइंट वन का क्यू ऐसा क्वेश्चन किया हुआ पॉइंट ट्रिपल जीरो वन से यस पॉइंट वन का क्यू क्लास का क्वेश्चन है सारे तीन बाहर निकाला लॉग पॉइंट वन बेस पॉइंट वन न्यूमिरेटर हमारा बेस और नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी सो आंसर होगा गया थ्री इंटू वन तीन के बराबर आंसर होगा गया थ्री इंटू वन तीन के बराबर क्लास का क्वेश्चन नेक्स्ट लॉग एक्स बेस फोर माइनस थ्री बाय टू है एक्स की वैल्यू कितनी है log एक्स बेस फोर अगर माइनस थ्री बाई टू होता है तो एक्स क्या होगा ये चार जो है इसकी पावर माइनस तीन बाई दो होगी इंडाइसिस कन्वर्ट करने का रूल थ्रू लॉगेरिथम तो आंसर कितना का माइनस फोर की पार माइनस थ्री बाय टू फोर क्या है टू का स्क्वायर इसकी पार माइनस थ्री बाई टू अगर टू की पार टू इंटू माइनस थ्री बाय टू टू से टू गया तो टू की पार माइनस थ्री का मतलब क्या हो गया

ई एक्स बन जाएगा ठीक है तो पहला देखना अपने को जो यहाँ टेंस प्लेस में आएगा वो इसका तीन गुना होना चाहिए क्या तीन मेरा नो का तीन गुना है ऑब्वियसली नॉट सर क्या मेरा नो दो का तीन गुना है नो सर दो का तीन गुना तो छ होता है यहाँ तो नो आ रहा है नहीं आएगा सर क्या नो तीन का तीन गुना है हाँ सर तीन का तीन गुना क्या नो होता है ये आ रहा है सर तो आंसर यही है ये यह भी नहीं है ठीक है क्या मैं देखो नाइनटी थ्री में से फिफ्टी फोर माइनस करू थर्टी नाइन बनता है क्या जी मालिक बनता है तो फटाक से अब मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन आसान था हाँ इक्वल एक्स अगर एक्स प्लस होते हैं तो हमें पता है ना माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू ए क्या है एक्स से जो मल्टीप्लाई कर कुछ नहीं है तो वन होता है इंटू सी दैट इज दिस ये हमारा जीरो हो जाता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो कर दिया ने ठीक है यस सो yes. so, इसका स्क्वायर क्या होगा माइनस प्लस हो गया तो पी का स्क्वायर हो गया प्लस में फोर का स्क्वायर प्लस में टू इन टू पी इन यहाँ माइनस फोर इंटू टू पी दैट इज माइनस एट पी माइनस फोर इंटू फाइव माइनस ट्वेंटी ठीक है तो मुझे मिला पी स्क्वायर प्लस सोलह प्लस एट पी माइनस एट पी माइनस बीस गया पी स्क्वायर माइनस फोर जीरो है पी स्क्वायर हमारा चार है पी की वैल्यू दो और माइनस दो है दोनों हो सकती है ना भाई पी स्क्वायर चार होना चाहिए तो पी की दोनों वैल्यू पकड़ सकता है ठीक है नेक्स्ट इफ द अबव टेबल कोरस्पॉन्ड वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल एक्सटैंड वाई द फॉलोइंग इक्वेशन एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ए बाय चॉइसिस कर देना ठीक है एक्स की वैल्यू पांच डालो क्या वाई ग्यारह बन रहा है इसमें तो थ्री इन टू लेफ्ट है, राइट हैंड साइड में डाला थ्री इंटू फाइव प्लस टू क्या हमारा ये सत्रह बन, बन, तो बन गया अपने को कितना चाहिए पहले वाले में ग्यारह चाहिए था नहीं बन रहा नेक्स्ट टू इंटू में पाँच माइनस का वन तो ये नौ बन गया अपने को ग्यारह चाहिए था नहीं बन रहा नेक्स्ट टू इंटू में फाइव प्लस का वन ग्यारह चाहिए था ओह ग्यारह बन गया तो ये ऑप्शन हो सकता है नेक्स्ट देखिए थ्री इंटू में फाइव प्लस वन ये कोई क्वेश्चन है

दोनों को मिलाकर सो जगह स्टोर करने की और पैसा लगा सकता है दस हजार मुन्ना ठीक है एक टेबल अच्छा एक टेबल, ए एक टेबल है कॉस्ट करती है चार सौ रुपए और एक चेयर है वो सौ रुपये कॉस्ट करती है मतलब मान दे ये हमारी टेबल है ये चेयर है सिंपल बात है ठीक है ये टेबल होने वाली है फालतू तो की बात कर रहा है ये लिखना चाहिए एक टेबल है और बी एक चेयर है ये लिखना चाहिए था ठीक है यस तो ये एक चेयर है ये हमारे को मिलाकर दस हजार रुपए कॉस्ट करती है ठीक है सो मतलब ये एक सौ रुपए की ये एक चार सौ रुपए की टोटल कॉस्ट इतना मान लो एक्स ये बना रहे हो वाई ये बना रहे हो तो खर्चा कितना का चार सौ एक्स प्लस सो है ये हमारा दस हजार से कम होना चाहिए एक तो ये बात बन रही है दूसरा दूसरी बात क्या बोल रहा है जी यहां से बोल रहा है कि दोनों चीजें मिलाकर तुम सो से ज्यादा नहीं ले पाओगे क्यों नहीं ले पाएंगे सर ऐसा किसने बोला उसने बोला ना कि स्टोर में सौ से ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है तो मतलब इसकी वैल्यू लेस देन हंड्रेड होनी चाहिए इसकी वैल्यू लेस देन टेन थाउजेंड होनी चाहिए ठीक है ऑब्वियसली टेबल और चेयर लेने जा रहे हो भाई नेगेटिव आइटम तो नहीं ला सकते एक्स भी जीरो होना चाहिए और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो होना चाहिए तो ये कंडीशन तो तीनों में डाल रखी है अब एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू हंड्रेड ये पहले वाली में सिर्फ ये लिखा हुआ है ये ऑप्शन नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता तो आंसर ए हो सकता है अगर मैं इसको दोनों को हंड्रेड 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 से डिवाइड कराऊ तो ये वाली इक्वेशन री बन गई ये बन गई जी सर बन गई तो लीनियर इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है सिंपल सिंपल आंसर है आंसर आ गया है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट एंड टाइम पीरियड फोर इज ट्वेंटी थाउजेंड ओ ओ ऑन इतना तो ये प्रिंसिपल दे रखा है ये आर दे रखा है ये टी दे रखा है तो सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला बताना है लेमुना पी टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर टी माइनस वन माइनस आर टी बाय हंड्रेड पी दे दिया है बीस हजार बीस हजार दिया ना वन प्लस आर आर की वैल्यू है पांच परसेंट की पावर टी चार माइनस वन आर इंटू टी पांच इंटू चार बाय सो जल्दी से सॉल्व करके बताओ ठीक है सोल्व करो और बताओ आंसर फटफट -फट से सो so, 5 ड्रेड प्लस इज 1.05 का पावर हमने चार निकाल लिया 1.2155 माइनस का वन माइनस का पॉइंट टू माइनस का पॉइंट टू ठीक है उसको अपने को बीस हजार से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ रहा है मेरा तीन सौ दस पॉइंट एक दो पांच विच इज नियर टू डी ऑप्शन टू डी ऑप्शन मैथमेटिक्स और फाइनेंस मेनी ईयर विल सम ऑफ मनी डबल एट फाइव परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट डबल करना है पांच परसेंट के रेट पर तो हमने बोला P का टू पी बनाना है तो एक्चुबेटेड अमाउंट शुड बी इक्वल टू प्रिंसिपल इन टू वन प्लस आर बाय हंड्रेड की पावर टी तो P से P कैंसिल तो टू शुड बी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव की पावर टी अपने को क्या करना होता है ऐसे केस में लॉग लेना पड़ता है क्यों लॉग लिया भाई क्योंकि आंसर मुझे मंथ्स में दे रखा है ठीक है तो मुझे लॉग निकालना पड़ेगा तो मैंने लॉग लिया यहां से टी उठकर बाहर आ गया तो टी लॉग वन पॉइंट जीरो फाइव जो होगा वो ना वो लॉग टू के बराबर होगा अच्छा टी की वैल्यू क्या होगी मेरी लॉग टू बाय लॉग वन पॉइंट जीरो फाइव है ना मुझे एक बात बताओ जल्दी से लॉग टू तो हमें लटाई पड़ा पॉइंट थ्री जीरो वन होता है जिसको नहीं पता निकाल लेगा वन पॉइंट जीरो फाइव का लॉग कैसे निकालेंगे वन पॉइंट जीरो फाइव लिखेंगे रूट कॉपन पंद्रह बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह माइनस वन मल्टीप्लाई वन फोर टू थ्री जीरो सो so, नीचे आ गया पॉइंट जीरो टू वन वन एट है ना सो so, मैंने इसको डिवाइड इक्वल टू किया मल्टीप्लाई पॉइंट थ्री जीरो वन से कर दिया तो so, टी की वैल्यू आ रही है फोर्टीन पॉइंट टू ईयर दैट इज फोर्टीन ईयर प्लस में पॉइंट टू ईयर पॉइंट टू ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दो आंसर आ रखे ईयर ईयर प्लस है plus, है ना सो so का मतलब क्या है भाई एक साल में बारह महीने तो यहां पे अगर मल्टीप्लाई करा दू दोनों तरफ तो मेरे पास में पॉइंट टू ईयर में कितने महीने आ गए टू पॉइंट फोर महीने अब टू पॉइंट फोर किसके नजदीक है दो के या तीन के ऑब्वियसली दो के राउंड ऑफ करेंगे तो दो मंथ पे ये अच्छा क्वेश्चन था क्यों अच्छा था

0.1 पी प्रिंसिपल पी है इनटू 1 प्लस आर माइनस 15 बाय 100 कंपाउंडिंग नहीं बता रखी तो 1 होगी उसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1 नीचे में की पावर में टी इनटू तो 1 ये निकालना है पी से पी कैंसिल तो 0.1 इज इक्वल टू 0.85 की पावर टी ठीक है अच्छा अब समझो मुद्दे की बात यह है कि आंसर या तो ग्यारह ईयर समथिंग आएगा या चौदह ईयर यहाँ अप्रॉक्सिमेटली लिख रहा है मुझे फील आ रही है कि चौदह ईयर आएगा उसके लिए अगर मैं सीधा शॉर्टकट से चलूँ क्या पॉइंट एट फाइव इंटू इक्वल टू इक्वल टू करते टाइम पर देखो कौन से स्टेप पर जाकर ये तुम्हारा नियरली इक्वल टू नियरली इक्वल टू पॉइंट वन के आसपास आ रहा है ये चेक करना होता है सो पॉइंट एट फाइव मल्टीप्लाई इक्वल टू करता गया और मुझे दिख रहा है ये नियरली इक्वल टू पंद्रहवें स्टेप पर वैल्यू दे रहा है मुझे पॉइंट वन जीरो टू सेवन सिक्स नाइन तो हमें पता है जी यहाँ पर टी क्या हो जाएगा टी का एक बड़ा वैल्यू ये स्टेप है ये क्या है हमारा जो हमारी पावर होती है पॉइंट एट फाइव की उससे एक बड़ा स्टेप यहाँ होता है इसकी वैल्यू पंद्रह है तो टी क्या हो गया मेरा पंद्रह माइनस एक फोर्टीन हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो गया फोर्टीन ईयर समथिंग फोर्टीन ईयर समथिंग तो आंसर इज डी तो आंसर इज नियर टू दिस वैल्यू मुझे अगर आंसर ग्यारह समथिंग मिलने वाला था तो तुम्हें इसको लॉग लेके सॉल्व कर लेता जैसे पिछले वाले एवर जी दे दिया है पांच परसेंट का आर दे दिया है सात परसेंट का सो यहां से मुन्ना तुमको आई मिल जाएगा कंपाउंडिंग कैसे चाहिए अपने को हाउ मच यू वीसीव फिफ्टी ग्रोइंग एट फाइव परसेंट एनुअली मतलब ग्रोथ मुझे एनुअली चीज़ी की वैल्यून हो गई तो यहाँ से मेरा जी हो जाएगा फाइव बाय हंड्रेड इंटू वन आर बाय हंड्रेड इंटू सी पॉइंट जीरो फाइव और आई हो जाएगा मेरा सात बाय हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन वट इज फॉर एवर वाली वैल्यू सर्व होती है पी वी ए इन्फिनिटी परपेचुटी विच इज

फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्य फॉर्मूला रहा है वो भी ऑर्डनरी ऑर्डनरी कौन सी होती है भाई ऑर्डनरी मतलब एन्य ओ, ओ, दोनों ही एक चीज होती है तीनों ही एक चीज होती है ठीक है कौन सा फॉर्मूला होता है ये वाला होता है वैसे भी दूसरे वाली भी होती है एन्यूटी इमीडिएट तो इसमें I वन प्लस आई मल्टीप्लाई होता है कोई सा नहीं बन रहा वो भी निकल यहाँ से हट्टा सा बन की घट्टा

ड्रेड सही हो गया नाइन पॉइंट नाइन डिवाइड बाई बारह माइनस हो इसने कुछ वैल्यू दिया है इसने कुछ वैल्यू दिया है ये क्या है फोर जीरो थ्री थ्री बाय फोर थाउजेंड फोर जीरो थ्री थ्री डिवाइड बाय फोर थाउजेंड हाँ ये तो यही बन गया है रे हाँ सर सही कह रहे हो ये तो यही बन गया है यही बन गया है तो इसकी पावर बारह ये दे रखी है कहानत करें मेहनत करें तो इसकी वैल्यू दे रखी है भाई ये yes, सो so. तो कितना हो गया तो मेहनत करें भाई कैलकुलेटर से कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी बट मुझे दिख रहा है तो मैं उसका यूज कर लूंगा नहीं दिख रहा होता तो मैं सोचता ठीक है नेक्स्ट एक मशीन की वक्त फोर नाइन जीरो सेवन फोर जीरो है अब वो बोल रहा है डिप्रिशिएट करके भी, भी दो लाख रुपए हो गई है परसेंट के रेट से डेप्रीशियट कर रही है ओपनिंग इच ईयर तो मतलब हमारा दो लाख रुपए है कम हो गया है और लगाया वही था पिछले वाले क्वेश्चन आर डेप्रीसिएशन केस में आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी माइनस पंद्रह बाय सो की पावर टाइम पीरियड बताना है यहां से दो लाख डिवाइड बाय फोर नाइन जीरो सेवन फोर जीरो सो गया पॉइंट फोर जीरो सेवन फाइव फोर इक्वल टू पॉइंट एट फाइव की पावर टी ठीक है ठीक है ठीक है, है सर अब मैं देखता हूँ कौन सी के आसपास आ रहा है फिर देखेंगे यार कैलकुलेट करना नहीं करना ठीक है यस सो so, मैंने क्या किया पॉइंट एट फाइव इन इक्वल टू इक्वल टू देखते कौन से पॉइंट फोर के आसपास वैल्यू दे रहा है ना नियर टू इट पॉइंट ओ ओ तो ये मुझे दिखा कि यार हमारा जब छठा सा सातवां स्टेप आ रहा है ना उसके बीच में होगा क्योंकि छठे स्टेप पे आंसर आ रहा है और सातवें स्टेप पे आंसर आ रहा है पॉइंट थ्री सेवन सेवन ठीक है सो इसका मतलब क्या टी प्लस वन की वैल्यू हमारी इसके बीच में होनी चाहिए तो हमारा टी प्लस वन जो होगा वो हमारा छ से, से सात के बीच में, में होना चाहिए है ना

गाना गा के। चलो आओ जल्दी। ठीक है है है, जी। तो ये बोला sinking fund जो है, create किया गया पच्चीस साल बाद मिलेंगे चाहिए पांच लाख रुपये अच्छा जी हाउ मच प्रोविजन बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर तो वो प्रॉफिट होगा तभी लगाया जाएगा तो प्रॉफिट होगा तभी लगाया जाएगा मतलब एंड ऑफ ईच ईयर में ही पेमेंट जाएगा तो वो होता है एन रेगुलर ये मुंह से बोल दिया इसने प्रॉफिट होगा तभी लगाया जाएगा तो मतलब एंड ऑफ ईच ईयर में जाएगा प्रोवाइडिंग अ इन्वेस्टमेंट एट आर की वैल्यू फोर परसेंट तो हमें पता है भाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन रेगुलर दे रखा है एन कितनी है वो नहीं पता है एन कितनी जानी है वो नहीं पता है सो कैसे करते हैं इसको सॉल्व सर इसको करेंगे ए इन टू आई आई और एन निकाल निकालने पहले सर कंपाउंडिंग नहीं बताया तो एन मानेंगे टाइम पीरियड पच्चीस है आर की वैल्यू चार है आई हो गया मेरा चार बाय सो इंटू एक पॉइंट ज़ीरो फोर और एम की वैल्यू पच्चीस इंटू एक दैट इज पच्चीस ये पता बतावाना चाहिए अब ए इंटू वन प्लस पॉइंट ज़ीरो फोर की पावर पच्चीस माइनस एक बाय आई ये अपना आ रहा है किसके इक्वल फ्यूचर वैल्यू के इक्वल पाँच लाख ठीक है ये सर सॉल्व करो कितना बन रहा है वन पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाई इक्वल टू पच्चीस से एक बड़ा स्टेप जब तक छब्बीस ना आ जाए आ गया टू पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव एट उसमें से किया माइनस वन डिवाइड कराया पॉइंट जीरो फोर से सो ए इन टू में जो भी ये वैल्यू आएगी मान लो ये वैल्यू एक्स आती है ठीक है मेरी कुछ वैल्यू आ गई है इसकी फोर्टी वन पॉइंट सिक्स फोर फाइव सिक्स नाइन जो भी आएगी कह रहा मैं उसको रेसिप्रोकल में ले जाऊंगा इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है डिवाइड इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है यहाँ से उसका डिवाइड इक्वल टू कर दिया तो रेसी प्रोकल में चला गया उस रेसी प्रोकल को अपन पांच लाख से मल्टीप्लाई कैलकुलेटर बाबा ट्रिक याद है जी सर इंटू में पांच लाख सो आंसर बन रहा है मेरा बारह हजार पाँच पॉइंट नौ आठ के आसपास तो नियरली इक्वल टू बारह हजार छ हो गया ना सो आंसर बारह हजार छ बन रहा है नेक्स्ट नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है सर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होता है देखो पहले बोला रियल रेट ऑफ रिटर्न बताओ वहां से समझ में आएगा सर रियल रेट में क्या करते हैं जो नॉमिनल रेट होता है मैंने तुमको ये डेफिनेशन लिखवाई हुई है क्लास में उसमें से अपन इन्फ्लेशन काट देते हैं कह रहे इन्फ्लेशन जो है ना वो डायन है वो खा जाएगी उसको निकाल दो तो वो रियल आएगा तो यहाँ पर नॉमिनल क्या हो जाएगा इसमें ऐड कर दो नॉमिनल एक्चुअली क्या होता है रियल रेट में इन्फ्लेशन ऐड कर दो भाई ये बचा हुआ क्या हो गया कह रहा है दिस प्लस दिस बात बच्चों ना ये मैंने कराई है डेफिनेशन आज तक इस पर पूछा नहीं था बच्चा इग्नोर मारता था मैं हर बार बताता था यस एनपी वी अगर जब कंसेंट बताने लगता हूँ उससे पहले शुरू करता हूँ इसको मैं ठीक है मैंने बोला बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर बना दिया भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भर दिए हैं इस बार मैथ्स में थ्योरी स्टैट्स में थ्योरी थ्योरी पे थ्योरी थ्योरी पे थ्योरी रखी है पता चल जाएगा एग्जामिनर कैसी थ्योरी देता है बहुत आसान कह रहे एनपी वी एल क्यू अगर जीरो से बड़ी होगी प्रपोजल को एक्सेप्ट मार देना मतलब क्या हो गया मुनाफे का सौदा होने वाला है नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है मुनाफे का सौदा है एक्सेप्ट द दपोजल एक्सेप्ट प्रपोजल नेक्स्ट कितने साल लगेंगे है या सर? सर, 8P को मैं 2 की पावर थ्री पी लिख सकता हूँ याद है तो यहाँ कितना समय लगेगा कह रहे है जो ये पावर है ना इस पावर को पिछले वाले 10 से मल्टीप्लाई करा देने का इतना समय लगने वाला है को एट पे पहुंचने में सर तो शॉर्टकट क्लास में बताया थे यस ठीक है चलो नेक्स्ट द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल डबल एट 6 परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है दो बार लिख दिया कंपाउंडिंग एनुअली अप्रोक्सीमेटली तो बोल रहा है भाई साहब P से 2P पहुंचने में कितना समय लगेगा 6% के हिसाब से चल रहा है आंसर डेसिमल में नहीं दे रखा है ठीक है मंथ में नहीं दे रखा तो मैं सीधा कौन सा पॉइंट तो लगाऊंगा पावर वाला तो यहाँ से बोल रहा है कि भाई एक्चुअलेटेड अमाउंट 2p है कंपाउंड इंटरेस्ट पर p से कितना समय लगेगा तो one p into one plus r by hundred की पावर t हमारा ये एक्चुअलेटेड अमाउंट 2p बना देगा यहाँ पे p से p कैंसिल तो यहाँ पे मेरे को two हो गया one point zero six की पावर t के इक्वल सही है ना नाउ अब मैं क्या करूंगा वन पॉइंट जीरो सिक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू चेक करूंगा और यहाँ पे टी से जब तक एक बड़ा स्टेप नहीं आ जाता और इसकी वैल्यू दो नहीं आती मैं रुकूंगा नहीं ठीक है वन पॉइंट जीरो सिक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू किया तो मुझे जो है दो पॉइंट जीरो एक दो मिल रहा है जब तेरह स्टेप है तो मतलब टी प्लस वन अगर मेरा तेरह है तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए भाई मेरे बारह ईयर होना चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली बारह साल के इक्वल आंसर आएगा ठीक है ना यस सर एग्जैक्ट निकालना होगा तो फिर अपन किससे करेंगे जी अपन दूसरे वाले मेथड से करेंगे ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग को हां बेटा बताओ मिसिंग टर्म क्या होगी आठ चौबीस इक्कीस सत्ताइस क्वेश्चन मार्क तीस सत्तीस क्या है? यहां से इसने छ बढ़ा दिया फिर इसने तीन घटा दिया फिर छह बढ़ा दिया तो तीन घटा देना चाचा सत्ताईस में से तीन घटाया चौबीस बन गया बट क्या चेक कर लेना अगला क्या छः अगले में ऐड करने पर तीस बनता है क्या क्या यहाँ पर अगर चौबीस होता तो चौबीस में छः ऐड करने पर तीस बनता जी सर तो आंसर क्या होगा मेरा चौबीस ठीक <laughs> है सत्ताईस so, माइनस तीन चौबीस आंसर नेक्स्ट पाँच सात ग्यारह पैंतीस सिक्सटी सेवन डिफरेंस दो का चार का अब दो चार छः भी हो सकता है दो चार आठ भी हो सकता है इसका डिफरेंस लिखना पड़ेगा सिक्सटी सेवन माइनस थर्टी फाइव बत्तीस का तो मतलब इसका डिफरेंस आठ का इसका डिफरेंस सोलह का तो ग्यारह में आठ ऐड करने पर अगला उन्नीस बनता है क्या चेक करना यहां उन्नीस डाला तो उन्नीस में सोलह ऐड करने पर ही पैंतीस बनता है ना जी सर तो आंसर क्या हो गया उन्नीस क्या मिसिंग था बीच में उन्नीस नेक्स्ट गार्डन का कोड थ्री टू फाइव सेवन सिक्स फोर है वाटर का ये है तो वॉर्डन का क्या हो? हे भगवान आर्डन का कोड ये आखिरी वाला पांच टू फाइव सेवन सिक्स फोर ठीक है जी हट गया डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या है सबसे पहला उसका नाइन तो नाइन टू फाइव सेवन सिक्स फोर ए ऑप्शन ये भी कोई क्वेश्चन है रे एफ सिक्स है मैट थर्टी फोर है एफ हाथ छठाई लेटर होता है मैट आ जाओ अपने वाले रूल पर डी एच एल पिट कर आया है एक्स से ये होता है चौथा लेटर ये आठ आठवा ये बारहवा ये सोलहवा ये बीसवा और ये चौबीसवा ठीक है ये से करते थे तो एम क्या हो जाएगा सर एल से अगला तेरहवा ए क्या हो जाएगा वन और टी क्या हो जाएगा सर क्या इनका सम बन रहा है यस oh, yes. तो कार भी सेम तरीके से चलेगा चार नो सोलह पच्चीस छत्तीस फोड़े अभी दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर पांच का स्क्वायर छह का स्क्वायर सात का स्क्वायर तो यह ये भी कोई क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट फाइंड मैन आउट ऑड निकालिए तो ये हो गया मेरा चार का स्क्वायर ये हो गया पांच का स्क्वायर ये हो गया छ का स्क्वायर ये ये बारह का स्क्वायर ये फोर्टीन का स्क्वायर फिफ्टीन का स्क्वायर सारे स्क्वायर एक्सेप्ट सेवेंटी टू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सेवनटी टू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये मैन आउट हो गया नेक्स्ट राजू ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और वॉक किया एक किलोमीटर साउथ साउथ की तरफ नीचे तो एक किलोमीटर साउथ आ गया टर्न किया लेफ्ट की ओर लेफ्ट टर्निंग क्या होती है राइट हैंड टर्निंग राइट हैंड टर्निंग ठीक है और वॉक किया एक किलोमीटर ठीक है टर्न वापस से लेफ्ट इधर जा रहा था लेफ्ट टर्न वापस से हमारा अब वापस से एक किलोमीटर कह रहा नाउ इज फेसिंग कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है ऊपर वाली नॉर्थ इजी पीजी क्वेश्चन नेक्स्ट रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एड वॉक्सन मीटर टूवर्ड्स वेस्ट रूपा जी पंद्रह मीटर वेस्ट को गई टर्स लेफ्ट लेफ्ट मतलब राइट हैंड टर्निंग तो इधर को गई एंड वॉक्स बारह मीटर टर्नस राइट अगेन ओहो अब यहां से राइट right गई राइट right मतलब लेफ्ट हैंड टर्निंग ठीक है तो यहां से लेफ्ट गई है वट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग ये कौन सी डायरेक्शन है कह रहे वापस से वेस्ट हो गई वेस्ट कौन निकली थी वेस्ट को वापस गई नेक्स्ट अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ डिस्टेंस एट किलोमीटर डेस नाउ नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है इतने क्वेश्चन दे रहे बच्चे मेरे प्यारे बोलेंगे सर ऐसा पेपर में दे तो दे बस मजे ही मजे ठीक है नेक्स्ट देर आर फाइव हाई हाउसेज पी क्यू आर एस एन टी पी इज राइट ऑफ क्यू ओ डायरेक्शन टेस्ट का ही क्वेश्चन है मुझे लगा सिटिंग अरेंजमेंट का आ जाएगा भैया ठीक है चलो पी इज राइट ऑफ क्यू पांच हाउसेज है तो एक दो तीन चार पांच पी राइट ऑफ क्यू है तो ये लेफ्ट मानते हैं राइट right मानते हैं अगर डायरेक्शन नाम बता रखियो तो क्यू से राइट right में जाएंगे तो पी आएगा टी इज लेफ्ट ऑफ आर टी लेफ्ट ऑफ आर तो आर से लेफ्ट में आएंगे तो टी आएगा

बस इस बार हाउसेज डाल दिया कभी ये इंसान के नाम बदल देगा ए बी सी डी कभी पी क्यू आर एस डी बट सेम क्वेश्चन भी बहुत बार दिया सेम क्वेश्चन किताब में दो बार दिया नेक्स्ट सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ठीक है छह दोस्त है एक दो तीन चार ठीक तो है नॉर्थ फेस कर रहा तो लेफ्ट ये राइट ये सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई तो सी जो है ए और ई e के बीच में बैठा है ऐसे बैठ सकता है और ऐसे बैठ सकता है इन दोनों के बीच में बैठा है ठीक है d is not at the end तो d किनारे में नहीं है d किनारे में नहीं है ये बोल रहा है ना b sitting at immediate right of e e के राइट right में b है तो यहां हो सकता है ए? यहां तो नहीं सकता। e के राइट right में b है नहीं भाई c बैठा हुआ है ये नहीं हो सकता तो अरेंजमेंट ये है ठीक है क्लियर f is not at the right end f किनारे में नहीं है यहां पर ओके okay, f यहां नहीं आएगा बट d is sitting at the third left of e d जो है

सिक्स गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन सच दे फॉर्म अ सर्कल फेसिंग द सेंटर छे लड़िया सर्कल फॉर्म कर रही है सेंटर को फेस करती हुई तो एक, दो, तीन चा, ओ, चार चार पांच छ हैं। सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू पप्पू लड़की बना अच्छा पप्पू से लेफ्ट क्या मानेंगे सेंटर ऑफेस करे तो लेफ्ट ये, राइट ये तो पप्पू के लेफ्ट में सुब्बू ठीक है रेवातीज इन बिटवीन सुब्बू एंड निशा तो सुब्बू के एक तरफ में रेवाती है भाई दूसरी तरफ में तो पप्पू बैठी हुई है और दूसरी तरफ में है रेवाती के निशा तो रेवाती सुब्बू और निशा के बीच में यही बोल रहे ना तो रेवाती के एक तरफ सुबह है तो मतलब रेवाती यहाँ है और निशा यहाँ आ गई अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्ति तो पप्पू के इधर में अरुणा बैठी है और उसके दूसरी तरफ कीर्ति है तभी तो, तो अरुणा कीर्ति और पप्पू के बीच right Nisha? Nisha के right में आएगी को इज सिटिंग टू द राइट ऑफ निशा निशा के राइट में राइट के दर इधर है इधर को निशा के राइट में कौन है रेवाती है जी रेवाती रवाती ठीक है कभी ऑप्शन नेक्स्ट ए एज बीज ब्रदर ए जो है बी का भाई है तो बी का भाई है ए सी इज फादर सी जो है वो फादर है डी का ई इज बीज मदर ई जो है वो बी की मदर है ए एंड डी आर ब्रदर्स ए डी का भाई है तो सी फादर था डी का तो इसका पति हो गया सी है ना भाई भाई इसका फादर सी था तो डी भाई ए का तो मतलब ये तीनों एक लाइन में है सी कौन हो गया इसका पा पा हो गया ई e बब्बा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी ई सी के साथ कैसे रिलेटेड है तो ई इज डैश ऑफ सी भाई पतली दिख रही है आंसर इज भाई कैसे करते हैं नेक्स्ट ए इज बी इज ब्रदर अच्छा जी बी का भाई है ए थोड़ा सा नीचे बना ले बी का भाई ए ए

डॉटर भी हो सकती है है ना तो दोनों में से एक आंसर होगा दोनों दे रखे ऑप्शन तो कैनो डिटरमेंट मार देना देखो एक ही आंसर दे रखा ग्रैंड सन नहीं दे रखा तो आंसर क्या होगा ग्रैंड डॉटर हो गया ठीक है ना अगर दोनों देता तो कैनो टिक मारते हैं नेक्स्ट ए इज मदर ऑफ डी ए मदर है डी की अच्छा जी एंड सिस्टर ऑफ बी एंड का मतलब क्या होता है पहला इंसान तो एंड ए जो है वो सिस्टर है बी की ठीक है तो बी क्या हो गया इसका ब्रदर या सिस्टर बी हैज अ डॉटर सी बी की डॉटर है सी इज मैरिड टू एफ अच्छा जी एफ से बैठा है जी हजबैंड है ए का हाउ इज जी रिलेटेड टू डी ए फाल इंफॉर्मेशन देगा जी का डी से कैसे रिलेशन है जी पापा है जी ये पापा या मम्मी है D के क्या है जी B जी जी पापा है D के जी इज फादर ऑफ डी नेक्स्ट पी एंड क्यू आर ब्रदर्स पी और क्यू ब्रदर है ठीक है ठीक है, ठीक है? दोनों भाई भाई आर 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 एंड एस सिस्टर्स कह जी और किस सिस्टर है। पी सन पी का बेटा तो पी का सन ये इंसान ये एस का ब्रदर है ओह एस इसकी सिस्टर है इसका मतलब तो आर भी इसकी सिस्टर होगी हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर क्यू का रिलेशन आर से कैसे है क्यू का रिलेशन आर से तो क्यू इज डैश ऑफ आर

तो मेन इंसान है उसके आगे का पहले सॉल्व करते हैं फिर पीछे चले गए और फिर उसके पीछे चले गए ठीक है ना यस जहां कंजक्शन दी जाएगी उसके पीछे पीछे उसके फादर। के फादर ये रहे। फादर की तो मैन की मदर तो पहला क्या गया मैन की मदर ठीक है मैन की मदर होगी ओनली सन ऑफ मैन मदर अबे मैन भी लड़का ही है मैन तो मतलब लड़का ही होता है इनका इकलौता बच्चू मैन की मदर का इकलौता बच्चू

पहाड़ी का चीज ऑफ पहाड़ी उड़ रही है एक पहाड़ी के अंदर में ग्रैंड मदर है उसका एक फादर है मतलब इनका बच्चा इनके बच्चे हो गया ना फादर एक मदर है मतलब इनकी मम्मा है इनके चार बार एक दो तीन चार ठीक है चार जब कर देना तो ऐसे बना देना ठीक है क्योंकि उनकी वाइफ भी बोल रखी है तो सन वाइफ सन वाइफ सन वाइफ सन वाइफ ठीक है एंड इनके एक सन दो डॉटर है ओ भाई साहब खतरनाक बड़ी फैमिली है दो डॉटर एक सन दो डॉटर ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस एक सन दो डॉटर ठीक है एक सन दो डॉटर ठीक है यस हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली चेक करें सो यहां पर दो दो दो, दो. कितनी हो गई आठ हो गई दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो आठ ठीक है यहां आठ यहाँ एक दो तीन चार चार वाइफ है तो ये भी चार हो गई यहाँ पे एक मम्मा और एक ग्रैंड मदर तो कितना आंसर आ रहा है आठ प्लस चार बारह बारह तेरह और चौदह फोर्टीन आंसर ऑप्शन नहीं है मिस प्रिंटिंग है फोर्टीन आएगा ठीक है याद रखना मुझे लग रहा है इस टाइम पे चाय ब्रेक चल रहा होगा दो क्वेश्चन गलत कर दिए फिफ्टी और फिफ्टी नेक्स्ट श्याम गोस फाइव किलोमीटर इन द नॉर्थ श्याम जी नॉर्थ को चल दिए पाँच किलोमीटर ठीक है फ्राम हि स्कूल ये स्कूल है इसका स्कूल से निकले है नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट गोस टेन किलोमीटर लेफ्ट टर्निंग मतलब राइट हैंड टर्निंग है ना यहाँ से दस किलोमीटर और जाते हैं तो दस है थोड़ा लंबा हो गया है दस है जी दस ठीक है एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड गोस टू फाइव किलोमीटर लेफ्ट मतलब राइट हैंड टर्निंग अगेन पाँच किलोमीटर गया तो यहाँ पर पहुँचा गया अरे हाउ फार इज ही फ्राम हि स्कूल इन विच डायरेक्शन यहाँ पर पहुँचा है यहाँ से स्कूल से कौन सी डायरेक्शन है कह रहे वेस्ट कितनी दूर है कह रहे हैं पाँच ऊपर गया पाँच नीचे गए तो बच्चा कितना है ये बराबर बराबर हो गया दस तो है वेस्ट दस किलोमीटर तो टेन किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल टेन किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल है नेक्स्ट रसिक वॉक ट्वेंटी मीटर टू नॉर्थ ट्वेंटी मीटर नॉर्थ हो गया ठीक है देन ही राइट राइट टर्न मतलब क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड टर्निंग राइट टर्न क्या होता है हमारा ए एक एक सेकंड लग रहा है मैंने उल्टा कर दिया एक सेकंड राइट एंड टर्निंग वाला था ना नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही 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 लेफ्ट एंड टर्निंग ठीक है सो देन ही टर्न टू द रसीक नॉर्थ एंड देन ही टर्न राइट राइट मतलब लेफ्ट एंड टर्निंग यहां से वॉक किया तीस मीटर ठीक है बढ़िया देन ही टर्न राइट एंड वॉक थर्टी फाइव मीटर थर्टी फाइव मतलब नीचे को आ गया तो थर्टी फाइव कुछ नीचे को आ गया ये देन ही टर्न लेफ्ट लेफ्ट मतलब राइट हैंड टर्निंग यहां से पंद्रह मीटर चला गया ठीक है फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक फिफ्टीन मीटर वापस इसमें राइट में हमारा पंद्रह मीटर ऊपर चला गया राइट एंड टर्निंग राइट हैंड टर्निंग मतलब लेफ्ट लेफ्ट एंड टर्निंग मतलब राइट right. याद रखना उसे ठीक है सो ये कितना हो गया देखो दूरी तो ये पंद्रह है तो ये पंद्रह हो गई तो पैंतीस में से पंद्रह गया पैंतीस में से पंद्रह गया भाई तो ये कितना बचा बीस बचा तो मतलब ये और ये एक लाइन में आ गए है ना भाई ये पंद्रह ऊपर वापस चला गया ये पंद्रह है ये बीस है तभी तो पैंतीस होगा तो मतलब ये एक लाइन में है तो क्या हो रहा है हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन स्टार्टिंग पोजिशन मतलब यहां से यहाँ की कितनी दूरी है भाई ये बीस था ये बीस है तो ये स्ट्रेट लाइन में हो गया ना ये दूरी कितनी है तीस तो ये भी तीस हो जाएगी तो कितनी दूरी है तीस मीटर कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट में तीस मीटर ईस्ट में स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ से थी ये एंडिंग पोजिशन ओ ओ ओ वो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड किनारे पे कहाँ रुका है भाई वो वो यहाँ नहीं रुका वो यहाँ रुका है एंडिंग यहाँ करिए सॉरी स्टार्टिंग ये है एंडिंग ये है तीस मीटर ये है पंद्रह मीटर ये है इसने यहाँ से चला यहाँ तक रुकना है इसको आके ठीक है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया फिर ऐसे गया पंद्रह फिर ऐसे पंद्रह आया तो पंद्रह पंद्रह बैलेंस करके लाइन में तो स्ट्रेट आ गया बट ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है भाई कितना तो पैंतालीस मीटर आंसर आएगा अभी छोटी सी मिस्टेक और ये छोटू सा क्वेश्चन गलत हो जाता ध्यान से ठीक है नेक्स्ट द डैश इज सेटिस्फाइड वेन पी ए बी इज इक्वल इन टू इक्वल टू वन तो मतलब अगर ए एक हमारा

ए भी, भी होगा एंड बी भी होगा इसकी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल आता है कितने फेवर तो प्लस अगेंस्टी हो जाएगी पी बायस मैंने बोला ना भाई बहुत आसान क्वेश्चन दिया है पहले बीस के बाद देखोगे तुमको वो बहुत आसान दिख रहे हैं कितना होगा तो ऑफ़ ए हमारा अगर चार है टोटल मेरा दो है तो फेवर वाले कितने हो गए भाई चार तो ऑड अगेंस्ट बोला है तो फेवर वाले चार अगेंस्ट वाले कितने हो जाएंगे अगेंस्ट वाले कितने हो जाएंगे भाई अगेंस्ट विल बी नाइन माइनस चार पांच फेवर वाले चार अगेंस्ट वाले नो माइनस चार तो ऑड अगेंस्ट क्या होता है ऑड अगेंस्ट क्या होता है याद है जी सर अगेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट रेशो फेवर उल्टा मत कर देना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सिंपली कर सकते हो है ना टोटल माइनस फेवर अगेंस्ट निकाला फेवर अगेंस्ट रेशो ऑफ फेवर हमारा ऑर्ड अगेंस्ट आ जाता है उल्टा मत कर देना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट छोटी सी मिस्टेक दिक्कत दे जाएगी इफ टू लेटर्स आर टेकन एट ट्रेंडम फ्रॉम वर्ड होम होम जो है हमारा अगर यहां पर दो लेटर निकाले जाए वट इज द दैट प्रद लेटर वुड बी वोवल्स वोवल्स नहीं होनी चाहिए मतलब ये दो नहीं होने चाहिए फेवर में क्या बोलता है भाई दो लेटर है एच ओर एम इनमें से दो चूज कर लो टू सी टू बेस अगर बोलो टोटल केसेस निकालना है विदाउट एनी कंडीशन चारों में से दो चूज करने है मेन केस क्या है दो लेटर चूज करने हैं तो ये हमारा टोटल गेस हो गया फोर सी टू अब एक केस दे दिया जाए मार को

ऊपर वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ चार तीन से इसको चार से तो एक्स वेरिएबल गायब हो जाएगा सो ये क्या बन गया मेरी बारह एक्स प्लस नो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इक्कीस यहाँ से बारह एक्स प्लस सोलह वाई इज इक्वल टू चार इंटू माइनस आठ माइनस बत्तीस सब ट्रैक्ट करा दिया तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो जाता है ठीक है तो यहाँ से कट गया ओके यहाँ पे माइनस सात वाई इज इक्वल टू बत्तीस माइनस इक्कीस नौ तो वाई की वैल्यू माइनस नौ बाई सात आ रही कौन है कौन से ऑप्शन में वाई बत्तीस ही है ना ओ बत्तीस माइनस इक्कीस इज ग्यारह मेरे को ऑप्शन देख के लगा कुछ गलत दिया तो माइनस ग्यारह बाई सात आ रही है वैल्यू तो माइनस ग्यारह बाई सात ऑप्शन ग्यारह नौ बाय सात फंस जाता ये लो वाई की वैल्यू एक ही में माइनस ग्यारह सात आ रही है चेक करके देख लेना इसका एक्स माइनस चार बाय सात ही बन रहा होगा चेक करके देख लेना वाई की वैल्यू माइनस ग्यारह बाय साथ डाल के देख लेना यहां से एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली किसी में भी डाल के देखोगे माइनस चार बाय साथ ही बनेगी ऐसा नहीं करता रहे वो एक ऑप्शन दे दे दूसरा ना करे इतना भी दिल उसका पत्थर नहीं है है ठीक है दिल पे पत्थर रखे वो मेकअप नहीं करेगी ठीक है चलो मैम ने बनाया होगा तो आओ क्वेश्चन देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डैश ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर क्या यूनिट पे डिपेंड करता है या नो सर नहीं करता है यूनिट से फर्क यही नहीं पड़ता सर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमको दे रखा है, हमको variance दे रखा है तो covariance of x, y है, अपना चालीस ठीक है वेरियंस दे रखा है इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया चालू माले वेरियंस एक्स का दिया सोलह तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट चार वेरियंस दिया अपने को

कोरिलेशन भी निकालते हैं सब होता है यस इजी बिजी ले दोनों से कंसर्न है भाई क्वालिटेटिव की कैरेक्टर एप्ट्रीब्यूट होती है उससे यूज करके हम इसको कर सकते हैं ना यूज हा नाउ द स्टैंडर्ड स्टैंड ऑफ दिस इज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया अब चाचा चौधरी सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स बाय का स्क्वायर का रूट ये वाला फॉर्मूला लगाना सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है पच्चीस इंटू इक्वस टू बत्तीस इंटू इक्वस टू फोर्टी थ्री इंटू इक्वस टू फिफ्टी थ्री इंटू इक्वस टू सिक्सटी टू इंटू इक्वस टू फिफ्टी नाइन इंटू इक्व टू फोर्टी एट इंटू इक्व टू थर्टी वन इंटू इक्वस टू ट्वेंटी फोर इंटू इक्वस टू थर्टी थ्री इंटू टू और ग्रैंड टोटल कर दिया सो ऊपर वाली वैल्यू आ गई वाओ मजा ही आ गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस सारे का स्क्वायर कर दिया ना तो मल्टीप्लाई इक्वल टू से स्क्वायर हो जाता है नीचे दस से डिवाइड देखो ना कितनी फटाक से गया ऑफ़ एक्स सब बत्तीस प्लस बत्तीस प्लस, प्लस तिरालीस प्लस तिरपन प्लस फिफ्टी नाइन प्लस, प्लस एट प्लस थर्टी वन प्लस, वन, प्लस, प्लस चार सौ दस डिवाइड बाय दस का स्क्वायर सो so, ये हो गया मेरा रूट ऑफ वन एट फाइव सिक्स पॉइंट टू माइनस फोर्टी वन का स्क्वायर वन सिक्स एट वन कितना बन रहा है देखो माइनस के वन एट फाइव सिक्स पॉइंट टू बच्चा बोल रहा है सर हमको रफ स्पेस बहुत थोड़ा मिलता है एग्जाम में ऐसे तरह क्वेश्चन के साइड में यहाँ पे रफ स्पेस होगा वहीं पे करना होगा तुम देख लो मैंने 90 परसेंट क्वेश्चन के अंदर में इधर तक ही सॉल्व कर डाला है इसीलिए करा ताकि तुमको समझ में आ सकता है पॉसिबल yes, है नियर टू ए ऑप्शन है ना कर सकते हो मुन्ना चलो ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है मीन दे रखा है दस स्टैंडर्ड एविशन बताओ अब देखो ये ये चैप्टर तुम छोड़ के जाते हो क्या क्वेश्चन है एक एस एम क्यू चार याद करो मीन इक्वल टू पॉइंट एट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन अच्छा क्वार्टर डेविएशन भी याद है of standard deviation. मैं ये भी निकाल सकता था. मुझे पूछा है है. कोई क्वेश्चन चार दे दिया. तो मतलब कत ही आसान क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इट द रेंज ऑफ एक्सिसाइव तो y हमारा अगर मान ले माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टी है तो याद है तुमको तरीका शॉर्टकट कट कह रहे इसको भगा यहाँ से कह रहे कोई काम का नहीं है तो यहाँ पे x की जगह रेंज ऑफ x इनके बीच में हमेशा प्लस माइनस कुछ भी हो इक्वल टू मान देंगे अपन तो ये तीन है या मल्टीप्लाई में और ये रेंज ऑफ वाई याद आ रहा है अपन ऐसे शॉर्टकट में निकालते थे तो तीन इंटू दो छः बन गया सर नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसमें क्वार्टर डिविजन दे रखा है मीन डेविएशन बता रहा है

सो so, मुझे मीन डेविएशन क्या हो जाएगा ये पुट कर देंगे ना तो मीन डेविएशन क्या होगा सर मीन डेविएशन ऊपर ले गया ये उठा के इधर ले आया तो क्वाटर डेविएशन इन टू में जो पॉइंट एट है ये मल्टीप्लाई में और पॉइंट सिक्स सेवन फाइव उल्टा ठीक है तो क्वाटर डेविएशन की वैल्यू पुट कर दी फोर पॉइंट जीरो फाइव इन टू पॉइंट एट पॉइंट सिक्स सेवन फाइव कितना हुआ फोर पॉइंट जीरो फाइव इन टू पॉइंट एट डिवाइड बाई पॉइंट सिक्स सेवन फाइव फोर पॉइंट एट

प्लस में, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का समय थ्री इंटू फोर्टीन इक्व टू टू इंटू एटीन इक्व टू जीटी का बटन सेवेंटी एट बाई फाइव फिफ्टीन पॉइंट सिक्स कंबाइंड इजी फिफ्टीन पॉइंट सिक्स नेक्स्ट स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल पे डिपेंड करता है स्केल के भी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फर्क किससे पर नहीं पड़ता साफ ओरिजिन शिफ्ट से फर्क पड़ता है सिर्फ स्केलिंग से इफ़ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड अगर दो वेरिएबल अनकोरिलेटेड होते हैं तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है अगर परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे तो पैरल होगी याद रखना परफेक्टली कोरिलेटेड पैरेलल और अगर अनकोरिलेटेड तो परपेंडिकुलर पी की वैल्यू पॉइंट है सिमेट्रिकल है P और Q मेरा 0.5 होता है तो मेरा ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाता है मेरे दोस्त यस yes, याद है जी सर नेक्स्ट एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर में स्क्यूनेस हिलने का नाम नहीं लेती है स्क्यूनेस हो ही नहीं पाती क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना क्या क्वेश्चन दे रहा है सोच रहे। इतना इजी रहे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में मीन होता है एनपी दस एनपी क्यू और स्टैंडर्ड एडिशन एन क्यू का रूट ये हमारा दो दे रखा है ठीक है तो यहां से अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ ठीक है स्क्वायर कर दिया तो मुझे अरे दूसरा स्क्वायर कर दिया तो यहां से रूट से रूट गया तो एन क्यू की वैल्यू दो चार मिल गई है अगर मैं इसको डिवाइड करा दूँ इससे ठीक है तो यहां से एन क्यू बाय एन मेरा चार बाय दस हो गया मुझे क्यू की वैल्यू पॉइंट फोर मिल गया मुझसे मांगा गया क्यू की वैल्यू एन और पी तो मांग लेता पुट तो करता है एटलीस्ट में कि हाँ भाई पी प्लस क्यू वन होता है यहाँ से पी मेरा अगर निकालू तो पॉइंट वन माइनस क्यू आ जाएगा फिर मैं इसको पुट करके एन निकालता इतनी भी मशक्कत नहीं करनी साहब कह है बिल्कुल सिंपल विच वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन याद है बहुत बड़े टाइप इंटरवल के लिए छोटू सी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की है ना और अगर मेरा पॉइजन वेरिएट की बात करी जाती तो वो एवरेज होता है ऑफ नंबर ऑफ हमारे ट्रायल्स इट डू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज वेरी लोफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा तो दो ही कंडीशन में लगता था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉन्स्टेंट मतलब ये बोल रहा है भाई साहब कि प्रोबेबिलिटी एक छोटे से इंटरवल में फेल होने की कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट नहीं होगी कम होगी मतलब बहुत ज़्यादा होगी फेल होने की बहुत ज्यादा होगी बट कम कॉन्स्टेंट कैसे होगी इसका मतलब क्या है कि भाई सक्सेस होगी ही या नहीं होगी हम बता ही नहीं पा रहे मतलब नहीं यार होगी बट बहुत कम होगी वैल्यू यही गलत है भाई यही गलत है बाकी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस मोर देन वन इन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल हाँ एक छोटे से इंटरवल में दो बार होने की तो भाई खतरनाक छोटी प्रोबेबिलिटी है सही बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन द टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम एज वेल एज अर्लियर सक्सेस हाँ भाई टाइम से भी इंडिपेंडेंट है और पहले कोई सक्सेस हुई है उससे भी इंडिपेंडेंट है एकदम सही बात बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज के टी हाँ हम के और टी को मल्टीप्लाई करते हैं और के क्या है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है टिंग द प्रोबिलिटी ठीक है सो ये भी एकदम सही है ये तीन स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू करते हैं तीन चार डेफिनेशन लिखी हुआ है ये नहीं लिखा हुआ था तो यही गलत है ठीक है तो ए ऑप्शन हो गया नेक्स्ट जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत करते हैं ना उसी में आती है स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्वेश्चन पूछा ध्यान रखना एटी टू वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है किताब में इस बार एग्जाम में आने के चांसेस एटी टू जैसा डैश डैश डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियंस बराबर है हाँ भाई मीन और वेरियंस एम इसमें होता है पॉइजन में मीन और वेरिएंस पॉइजन में एम हो जाता है ना भाई नेक्स्ट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा मीन क्या है जो यहां सब किया है दैट इज दस स्टैंडर्ड एवियशन क्या है जो यहां पर सिग्मा वन बाय सिग्मा रूट भाई 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 कंपेयर करो फॉर्मूला भूल गए क्या होता था एफ ऑफ टी दे दिया एक्स देता टी देता क्या फर्क पड़ रहा था वन बाय सिग्मा रूट टू बा माइनस वेरिएबल टी कर दिया हमें फर्क नहीं पड़ता उसका आता स्क्वायर बाय टू सिग्मा स्क्वायर बाय सिग्मा रूट फोर मीन दस पुट कर दिया तो आंसर यहाँ छः और यहाँ पे दस प्लस चार फोर्टीन तो आंसर आ गया छः और फोर्टीन क्या क्वेश्चन है रे आसान नेक्स्ट द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज वन टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्या होता है भाई टोटल एरिया इस नॉर्मल कर्व के अंदर में ऑलवेज वन होता है है ना जी सर ठीक नेक्स्ट स्टब ऑफ अ टेबल इज द डैश पार्ट ऑफ द टेबल स्टब कौन सा पार्ट होता है टेबल का जल्दी से बताओ स्टब अगर ये टेबल है तो सर ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट वाला पार्ट ठीक है लेफ्ट वाला पार्ट डिस्क्राइबिंग रोस डिस्क्राइब क्या करता है ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट रोस कैप्शन क्या करता है अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स बॉक्स हेड क्या होता है जिसमें कैप्शन भी आता है हमारा कॉलम हेड सब कॉलम सब आता है यूनिट डिस्क्राइब करा जाता है बॉक्स हेड में याद है सब डिस्कस किया था तो लेफ्ट रोस लेफ्ट और रोस आंसर आएगा ठीक है नेक्स्ट द पेयर ऑफ एवरेजिस कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली ग्राफिकली हम ऑजिव से मीडियन और हिस्टोग्राम से मोड निकाल सकते हैं मोड एंड विल बी द राइट आंसर मीन हम ग्राफिकली निकाल ही नहीं सकते एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ भाई करो भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समी इंटू एक्स तो मल्टीप्लाई कराओ माइनस बीस इंटू तीन बाय बीस प्लस में माइनस दस इंटू एक बाय पांच प्लस में तीस इंटू एक बाय दो प्लस में पचहत्तर इंटू एक बाय दस प्लस में अस्सी इंटू एक बाय बीस कितना हुआ ये गया इससे ये इससे गया दो पर ये इससे गया पंद्रह पर ये साढ़े सात बन गया और वो चल गया चार पर ठीक है तो कितना वैल्यू बन रहा है so, सो ये हो गया मेरा पहले पंद्रह प्लस साढ़े सात प्लस चार ये तो हो गया अपना उधर वाला पार्ट माइनस दो माइनस का तीन तो इक्कीस पॉइंट पाँच आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्कीस पॉइंट पांच ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग बेसिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर टेस्ट टाइम रिवर्सल में रिवर्सलो बनता है जीरो बनता है रिवर्स होता है रिवर्सल में रिवर्स होता है शिफ्टिंग सर्कुलर में होती है यूनिट टेस्ट में तो यूनिट नहीं होनी चाहिए और फैक्टर रिवर्सल में प्राइस इनटू क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू वैल्यू परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज स्टेटेड एज डैश ऑफ प्राइस इंडेक्स जितना तुम परचेज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा प्राइस इंडेक्स कम होना चाहिए ज्यादा परचेज प्राइस इंडेक्स कम तो कम परचेज उसका मतलब प्राइस इंडेक्स बढ़ गया प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है कि वैल्यू बढ़ रही है घट रही है किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तुम कम बाय करोगे किसी वैल्यू घटेगी तुम ज्यादा बाय करोगे तो इट इज रेसिप्रोकल उल्टा चल रहा है ना भाई नेक्स्ट सम दे रखे करे लास्ट पेयर्स की वैल्यू बताओ लास्ट पेयर्स क्या होता है लास्ट पेयर्स में पी जीरो वन का फॉर्मूला होता ही पी वन पी जीरो एन बोलेगे ना ठीक है पी जीरो एन बोल दो एन करंट तो पी एन क्यू जीरो बाई पी जीरो इन टू हंड्रेड पी एन क्यू जीरो वन एट एट जीरो ओ मरी गॉड ओ माई गॉड पी एन क्यू जीरो सारे देर डाले एक किताब में गलती है क्या कौन सा लू पी एन क्यू जीरो अक्कड़ बक्ड़ बम्बे वो किसको लूँ ये भी पी एन क्यू जीरो भी पी एन क्यू जीरो पी एन क्यू जीरो अबे मेरे दोस्त ये पी एन क्यू एन होता ये पी जीरो क्यू एन होता तो बात समझ में आती भाई मानता हूँ पहले ये सबसे पहले इसको लिख दिया ना इसको मान लिया डिवाइडेड बाई पी ज़ीरो क्यू जीरो सारे गलत दे, दे दिए भाई सारे एक समान उन्नीस सौ उन्नीस सौ ठीक है उन्नीस सौ डिवाइड बाई वन थ्री सिक्स जीरो इन टू वन थ्री नाइन पॉइंट सात नियरली इक्वल टू यही वैल्यू आ रही होंगी वैसे इसमें भी तो ये वाले ये मुझे लग रहा है ये गलत है ठीक है दिस इज पी ज़ीरो क्यू एन और ये पी एन क्यू एन होता यहाँ पे ये होना था ठीक है इन्होंने कुछ उल्टा कर दिया ओके कोई बात नहीं होता है कभी हो ऐसा पहली बार नहीं कई बार हुआ है डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट अपर एंड लोअर लिमिट लिमिट बोल रहा है मेरे दोस्त बाउंड्रीज नहीं बोल रहा लिमिट बोल रहा है लिमिट ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये तो क्लास इंटरवल हो गया है ना यस क्लास बाउंड्रीज क्या होती है कह रहा है वो तो बाउंड्रीज होती है क्लास इंटरवल में क्या आता है अपर लिमिट नहीं यार ये क्या कर दिया इसने यार क्लास लेंथ बोलना चाहिए था डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड लेस एक सेकेंड इन्हें कुछ गड़बड़ किया गैप की बात कर रहा है किसकी क्लास इंटरवल की बात कर रहा है तो डिफरेंस होना होता है ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है क्लास बाउंड्री अलग चीज़ है मिड वैल्यू इन दोनों का एवरेज होता है तो कॉमन सेंस लग रहा है क्लास इंटरवल आंसर होना चाहिए बट कोई भी आंसर नहीं बनना चाहिए इसका डिफरेंस का मतलब क्या होता है अभी भाई अगर मैं अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करता है न अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करता तो ये क्लास लेंथ बनता अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो तो भाई इन दोनों का गैप होता है पूरा यहां से कवर करने वाला क्लास इंटरवल ठीक है बट सब्ट्रैक्ट करने में तो कुछ भी नहीं मिलता नेक्स्ट अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट अ एवरेज ऑफ थर्टी एड कम बैक एट फोर्टी तीस जाता है और चालीस आता है ठीक है दिल्ली से आगरा तो ये स्पीड वाले क्वेश्चन में तीस जाता है और साठ सात ठीक है स्पीड स्पीड वाले वाले, वाले, वाले क्वेश्चन में क्या लगाते लगाते हैं हैं हार्मोनिक मीन फाइंड आउट एवरेज रहा है वाले वाले जी दे दे तो दो को मैंने पॉइंट जीरो से डिवाइड कराया तो दो डिवाइड बाई पॉइंट जीरो आंसर आ गया है चालीस किलोमीटर पर आ रहा

क्या होगा मेरे दोस्त कह रहा है ए बाई बी जा भाड़ में हमें उससे मतलब नहीं है ना तो यहाँ पर इक्वल टू टू इक्वल रहना चाहिए वाई के जगह स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन और एक्स के जगह स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन ऑफ एक्स आ जाएगा और जो नीचे में बी पड़ा है अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो नीचे में बी से डिवाइड स्टैंडर्ड डिवाइडर्डाशन ऑफ मीन दे रखा है अपने को ए और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन दे रखा है बी तो मीन ऑफ एक्स हमारा ए है स्टैंडर्ड स्टैंड ऑफ एक्स हमारा बी है तो यहाँ पुट कर दिया तो बी वाई बी वन हो गया b by v वन हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वन हो गया ए वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी अगर एक मान लो b by x ग्रेटर देन यूनिटी हो गया तो अगेन दूसरे को ये प्रॉपर्टी है भाई लेस देन वन होना पड़ेगा क्यों याद करो b by x into b x y is always less than equal to one कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है है ना इसका स्क्वायर रूट वो हमें पता है वो वैल्यू वन से कम होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन बनाती है अगर एक एक से बड़ा होगा दूसरे को लेस देन वन होना ही पड़ेगा नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज कोरिलेशन की वैल्यू वन से माइनस वन तक होती है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई वन मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है वट इज एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब लीव द अपर क्लास बाउंड्री इंक्लूड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है अपर क्लास बाउंड्री प्रीवियस की और लेक्स्ट वाले की लोअर क्लास बाउंड्री सेम होती है तो हम क्या अपर क्लास बाउंड्री वाली जगह पर मन डालना कहां से इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रॉस फ्रिक्वेंसी तो अपर लिमिट मतलब अपर बाउंड्री की बात कर रहा है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है नेक्स्ट लिमिट बेसिकली बाउंड्री बोल रहा है वो बात है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 64 ज्योमेट्रिक मीन इज 16 हार्मोनिक मीन का है मैं वही बोलूँ यार इस पर तो यही देता है हर बार क्वेश्चन इस बार भी देगा देख लेना इस पर भी देगा हार्मोनिक मीन क्या हो गया जोमेट्रिक हमें पता है ना दो नंबर के लिए अगर मान लो ए और बी नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ए एम इंटू एच एम होता है तो क्या जोमेट्रिक मीन का स्क्वायर बाय ए एम हो जाएगा सर दैट इज जोमेट्रिक मीन कितना है सोलह सोलह का स्क्वायर बाय ए एम सिक्सटी फोर तो कितना हो गया सोलह इंटूक्व टू डिड बायर सो हार्मोनिक मीन सर चार हो गया है हार्मोनिक मीन चार हो गया है आखिरी क्वेश्चन मीन इज थ्री पॉइंट फाइव एट एंड मोड इजन थ्री द वैल्यू ऑफ मीडियन इज हमें क्या पता भाई हमें पता नाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू इम्पेरिकल फॉर्मूलाजमेंट था याद है ठीक so, है तो टू इन टू मीन है थ्री पॉइंट 3.57 प्लस में मोड है टू तो मीडियन क्या हो जाएगा मेरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड इन दोनों का एडिशन बाय थ्री है ना मीन की वैल्यू पुट कर दी गोड की वैल्यू पुट कर दी सॉल्व कर लो अच्छा कॉमन सेंस से एक बताओ अगर मीन मोड से बड़ा है मीडियन हमेशा दोनों के बीच में आएगा तो मुझे कॉमन सेंस समझ तो में आ रहा है यही आंसर आने वाला भाई मीडियन देखो क्या होता है अगर हमारा पॉजिटिव सिमेट्रिकल पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एम्पेरिकल फार्मूला कब लगता है हमारे मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में दिस अगर पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मीन मोड मीन मीडियन से बड़ा मीडियन मोड से बड़ा और अगर मेरा नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मोड मीडियन से बड़ा और मीडियन मीन से बड़ा तो मीडियन हमेशा सेंटर में आता है तो मीडियन इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी तो बीच में तो एक ही दे रखा भाई सोहर भी कर लो यही आंसर आने वाला है ठीक सो so, इसी के प्रकार में हमारे सो के सौ क्वेश्चन जो कि प्यारे से थे होते हैं खत्म अब मॉक टेस्ट पेपर में आप हमें बताओ कितना आपने स्कोर किया मजा आया या नहीं आया तीनों टेस्ट लगा लिए तीनों टेस्ट देख के जाना पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री कोशिश करता हूं उसकी प्ले लिस्ट भी कमेंट में मैं पिन करा दूंगा तो तब तो तक तो के लिए की नेक्स्ट वीडियो चलते हैं बाय बाय मिलते हैं